Zoo. Safari Zoo. Are you happy? Yes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? और देख रहे हैं, जैसा कि मैं कार में बैठी हुई हूँ, मीन्स हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो आज मैं कर रही हूँ एक व्लॉग, तो उसे देखने के लिए बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो हम लोग जा रहे हैं कार में ही बैठ के द ड्राइव थ्रू जू सफारी। तो जाएंगे वहाँ, बस कार में ही रह के घूमेंगे और चले आएंगे। बोर हो रहे थे घर में बैठे बैठे, तो सोचे कहीं तो जाना चाहिए घूमने। तो हम लोग बहुत सर्च किए, उसके बाद हम लोग को मिला एक प्लेस, तो बस वहीं जा रहे हैं। मान्या हैप्पी है? मान्या से हाय टू एवरीवन। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैं पहुंचूंगी वहां, दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा है क्या है वहाँ का सीन। तो बस चलिए चलते हैं फिर। ये है टॉप से एक्सोटिक रेंच ड्राइव थ्रू सफारी, ये ऑस्टिन टेक्सास में है। इसका टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और जाकर भी ले सकते हैं। ये मेरे घर से 1 घंटा 17 मिनट की दूरी पर था। इसका ड्राइव थ्रू जो है वो 1 घंटे का है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा जू सफारी का सफ़र। तो सबसे पहले हम लोग को रेनडियर ये सब बहुत सारे कुछ मिल रहे थे और हम लोग ऐसे बस कार में से ही उसको नीचे की तरफ खाना डाल दे रहे थे, वो खा रहा था। और क्योंकि अगर शीशा थोड़ा सा भी ओपन हो रहा था तो वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो बस आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। मैं बोलूँगी कि बहुत सारे मीन्स की जो लायन टाइगर होते ये सब टाइप के नहीं थे, बट रेनडियर, डियर, ऑस्ट्रिच, ज़ेब्रा ये सब था। इट्स गुड फॉर किड्स। बहुत ही खुश हुई थी मान्या। देखिए इस तरीके से ये लोग आ रहे थे कि इन लोगों को पता है कि खाना मिलेगा। तो बस अब जैसे ही कार लेके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लोग अपने आप आपके तरफ आते जाएंगे। तो देखिए उधर से ऑस्ट्रिच आ रही है और सीधे हम लोग के कार के पास आएगी वो, क्योंकि उसको पता है कि इधर से खाना मिलेगा। और हम लोग ऐसे ही बस खाना डालते जा रहे थे और मान्या बहुत इंजॉय कर रही थी। और वो यहाँ बता रही है कि वो जू सफारी जैसे एनिमल्स है वैसा टी शर्ट पहन के आई है, तो उसके टी शर्ट पे सारे एनिमल बने हैं। मान्या, व्हाट इज दिस? ऑस्ट्रिच एंड डियर। Hello, Mr. Zebra.
खाना खिलाना है उसको। चलो डियर आ गया खाना खाने। ओए डियर का माउंट है जिससे डियर खा रहे। आ गया आ गया दिखा। ब्राउन वाला और ये तो पूरा अंदर आके देख रहा है कि मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं, खाना है या ख़त्म हो गया। पूरा अंदर तक आ गया था लिटरली ये। बस यहाँ तक हम लोग कार से घूमे थे और साइड में एक पेटिंग जू करके था। वहाँ जाने पे लाइक बर्ड्स थे, कैट्स थे और कुछ गोट्स थे जिसको आप जाकर फीड करा सकते थे। बट देख रहे हैं जैसा कि आप एक दो लोग फीड करा रहे हैं ऐसे खुले हाथ बिना मास्क के, तो हम लोगों ने फिर अवॉइड किया, बस साइड में खड़े रह के उसके ऊपर डाल दिया, वो अपने आप खा लिए। तो यहाँ कुछ पिकॉक्स वगैरह दिखे थे थोड़ा बहुत साइड में। 5 मिनट के लिए हम लोग बस उतरे थे वो सब देख के, फिर वापस कार में आ गए। तो इसके बाद हम लोग करेंगे लंच और फिर आ जाएंगे घर वापस। अरे ये तो बाहर आ गया। पीहू पीहू मैंने व्हाट इज पिकॉक सेस पीहू पीहू। हाउ इज इट यम्मी? तो बस मैं लंच बनाकर ले गई थी मान्या के लिए टोमेटो राइस, उसका ऑल टाइम फेवरेट, और हमारे लिए टेस्टी सत्तू भरे पराठे जो हमारे बिहार का फेमस है, और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो ये हमने कार में ही बैठ के खा लिया और फिर हम लोग निकल लिए घर को। बीच में मान्या ने अपना आफ्टरनून नैप भी पूरा कर लिया। तो इस तरीके से ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। Thank you so much for watching. Take care. Bye-bye.